बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटी क्वींस, कैसे हो आप सब लोग मेरी फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए मैं विंटर्स का थर्ड फेस पैक लेके आई हूँ, जो बहुत ही आइडियल मेरा फेवरेट और दी बेस्ट है। इसमें मैंने पोमोग्रेंट अनार के कुछ दाने लिए हैं। खा रही थी तो सोच रही थी साथियों को लगाने के भी फ़ायदे बताऊँ। खाने के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। और ये मैंने योगर्ट लिया है, लेकिन दोबारा दिखाती हूँ तो ये मैंने हंग कर्ड लिया है। हंग कर्ड मीन्स इसका एक्सेस वाटर मैंने स्ट्रेन कर लिया था। थर्ड जो ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट है वो है जौ का आटा, जो इंस्टेंट ओट मिल मिलते हैं उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब मैं पोमोग्रेंट को जो है इसमें डाल के मसलिन क्लॉथ में और इसे स्क्वीज करूँगी तो इसका सारा जो जूस है वो निकल आएगा। आपको पता है मेरी फ्रेंड्स को कि खाने के जितने फ़ायदे हैं ना पोमोग्रेंट के, लगाने के उससे डबल है। ये हमारी ड्राई स्किन को हील करता है, इट्स मीन हमें विंटर्स में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। सेकेंड, ये हमारी जो डल स्किन है ना जो विंटर्स में हो जाती है, वाह लगाया ना मैंने, आप खुद लाइव रिजल्ट देखिएगा कितना ब्यूटीफुल और ग्लोइंग मेरी स्किन हो गई थी। अब ये देखिए चंद दाने मैंने लिए हैं, इसको मैंने स्क्वीज कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें 2-1 टीस्पून भर के वाला जो है हंग कर्ड डालूंगी। कर्ड है, योगर्ट है, घर का बना हुआ है, फ्रेश योगर्ट है। अब इसे मिक्स करूंगी ताकि लम्स ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो जौ का आटा डाल दूँगी। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है पोमोग्रेंट में प्यूनिनिक टाइप का एसिड होता है जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। यह हमारी स्किन को वंडरफुली ड्राइनेस को ख़त्म करता है, मतलब ब्यूटीफुली ख़त्म करता है। आप लगाओगे आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। अपनी फ्रेंड्स के लिए मैं चाहती हूँ नए से नए यूनिक टाइप के फेस पैक्स लेके आऊँ, लेकिन आप लोग तो मुझे दाद ही नहीं देते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, वेट करती रह जाती हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड्स को इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुझे एक कमेंट कर दें या बताएं कि आपको ये फेस पैक कैसे लगा। 10-15 मिनट्स मैंने हाथ पे रखा, आप फेस पे 30-35-40 मिनट्स भी रख सकते हो। उसके बाद जो है आप इसे ग्रेजुअली, इसमें हार्श स्क्रब नहीं होता लेकिन फिर भी आप इसका मसाज करो। योगर्ट में आपको पता है लैक्टिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा, वो भी हमारी ड्राइनेस को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और ओट फ्लावर जो है इसकी तो मैं क्या ही बात बताऊँ, ये हमारी स्किन पे से इचीनेस को ख़त्म करता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इरिटेटेड स्किन को ठीक करता है, एक्नी प्रोन स्किन को भी ठीक करता है, सरफेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जबकि हम लोग बेसन बहुत यूज़ करते हैं, ओट फ्लावर को हम लोग अहमियत नहीं देते। ये देखो मैं इतनी खुश हुई थी इसके रिज़ल्ट से, आपको बता नहीं सकती हूँ। और आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई करो और मुझे बताओ। मेरी तरफ से ये 200% रेकमेंडेड है, 100% नहीं 200%। ये देखिए एक इंस्टेंट ग्लो वाइटनिंग इसने दी है मेरे हैंड्स पे, और मैं बता नहीं सकती मेरा दिल कितना खुश हो गया था कि मैं अपनी साथियों के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ लेके आई हूँ। पोमोग्रेंट वैसे सर्दियों में आते हैं, योगर्ट तो हर घर में ही होता है तकरीबन, और आप इसे लगाओ। और कमिंग डेज में मैं आपको इसके पील से फेस पैक बताऊंगी। और मेरी कोशिश ये होती है मैं अपनी ब्यूटी क्वींस को ऐसी चीज़ें बताऊं जिसके लिए उन्हें प्रॉब्लम ना हो, किचन में सब कुछ मौजूद हो, और आप अपनी स्किन पे लगाओ खाओ। और योगर्ट भी फ़ायदेमंद है, ओट भी फ़ायदेमंद है, पोमोग्रेंट भी फ़ायदेमंद है। तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स से दी बेस्ट फेस पैक है मेरी ब्यूटी क्वींस के लिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आलिया एले ब्यूटी व्लॉग्स, और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई सी नई वीडियो मेरी ब्यूटी क्वींस को मिले। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।